सुरंगे अंदर लिया चलता हूँ, लाइट जला लो कहीं भूत भूत ना मिल जाए। ये भाई साहब सुरंग है, ये आइए सुरंग में जाके देखते हैं क्या है। लेकिन भाई साहब ये पुरानी ईंटों की है, ये बात बिल्कुल पक्की है। मोबाइल पे अंदर लाने पे रोक लग जाएगी तो समझ लीजिए उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे कुछ बड़ा निकलेगा। पुराना किला है कुछ बात, ये दलदल टाइप नहीं लग रही, देखो पैर को दबाओ, एक मिनट दबाना, ये देखो सब कुछ जंप कर रहा है यहाँ पे। आप लोगों को शायद फालतू लगेगी, इलॉजिकल लगेगी, लेकिन ये तुम्हारा मुस्तकबिल है जिसे हम सेव कर रहे हैं फ्यूचर में। इतिहास यहाँ पे खोदा गया था इसे बताते हैं, लेकिन अब ये सब तिरपाल से इन्होंने ढक दिया है। यहाँ पर क्या है, क्यों है, अच्छा इसके बारे में महाभारत में उल्लेखित परंपरा रही इंद्रप्रस्थ नगर का। शायद फ्यूचर में या भविष्य में साबित होगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर रहा हो, भव्य। आप आए तो जरूर देखिएगा, दिमाग की बत्ती जलेगी आप लोगों को। आइए और आगे चलते हैं। लेकिन एक हैरानी वाली बात है, इस पुराने किले के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, बड़ी हैरानी की बात है। दरवाजे के ऊपर ये आयत लिखी हुई है। इस तरीके से आपको ना किसी ने पुराना किला दिखाया नहीं होगा जितनी बारीकी से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ, सिर्फ इसलिए कि आपकी तारीख कायम रहे। ये जो पुराने किले के पहले जो भी यहाँ था उसको ध्वस्त करके पुराना किला यहाँ बनाया गया है, तो आगे के लिए बीज बोए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आइए तो भाई साहब हम आए पुराना किला, और पुराने किले के अंदर इन्हें बोलने तो चलो इन्होंने अच्छा बोल दिया, खाने पीने का सामान मतलब आता है ना तो रख के जानी पड़ेगी, अंदर बिस्लरी खरीदोगे आप। और जो पार्किंग है ना भैया, अथोराइज पार्किंग में ही आना, एक पार्किंग बाहर है वो जबरदस्ती कहते हैं नहीं जी अंदर की पार्किंग भरी हुई है। भाई साहब ये देखो कितनी बढ़िया पार्किंग है, खाली है, कितनी शानदार पार्किंग है, और वहाँ पे इतनी बुरी पार्किंग है भाई, एकदम खड्डे से पड़े हुए हैं बुरी तरह, और उन खड्डों के अंदर ना भाई साहब गाड़ी लगानी पड़ती है। तो जब हम पहले गए थे तो गाड़ी लगा के गए थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि माइक वाइक जो छोटे छोटे माइक होते हैं कैमरे का वो सब कुछ आप अंदर नहीं ले जा सकते, वो सब हम घर पर रख के आ गए। ये हमारे पास टोकन, तो कभी भी आ रहे हो तो पानी की बोतल बिस्लरी वाली लेकर आना, नंबर एक। कोई भी फालतू सामान मत लाना, देखो सारा कुछ ऐसा आना पड़ा है हमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं है अब हमारे पास में, तो ऐसा सामान लेकर आओगे। और सामने टिकट काउंटर है जो देख रहे हैं आप, आइए टिकट काउंटर जो है यहाँ से अगर आप घर पे ऑनलाइन टिकट खरीद लो, इंटरनेट से टिकट अगर खरीद के लाओगे ना तो बढ़िया है। वैसे ये लोग पता है क्या बोलेंगे कि जब भी बोलोगे कि भैया ये 30 रुपये क्यों दे रहे हो, वो आगे क्या बोलेंगे, भैया आप ऑनलाइन बुक कर लो। अब ऑनलाइन जब आप जाओगे ना वेबसाइट पे, पागल हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा साला किधर ये ऐसे आएगी वेबसाइट, कैसे काम करेगी, कंफ्यूज हो जाओगे, लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, झमेला बड़ा लंबा है, तो इसलिए आप बोलोगे 30। दूसरी बात ये बोलेंगे भैया जब आप जा रहे हो ना, वैसे 25 रुपये टिकट है, और बोलेंगे जी 30 रुपये, बोले 30 रुपये किस चीज़ के, कि जी म्यूजियम का 5 रुपये, कि जी म्यूजियम हम देखना नहीं चाहते, नहीं जी वो तो कंपलसरी है, वो तो देखना ही पड़ेगा। आइए तो ये टिकट काउंटर है, चला के रुको, नहीं नहीं बस रोक दो, क्योंकि आप ऑनलाइन खरीद लीजिए टिकट, लेकिन ये वेबसाइट पर करेगी नहीं करेगी कोई गारंटी नहीं, आपको मैनुअली टिकट खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। और ये है टिकट काउंटर, टिकट हमने ले चुके हैं। तो जैसे मेट्रो में जाते हैं तो वैसे मेट्रो की तरह एंट्री हो गई यहाँ पे, जब हम वापस आएंगे तो टिकट यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो जैसे डाल रहे हैं वहाँ पे, उसके अंदर कूपन डालना पड़ेगा और इधर से एंट्री होगी और यहाँ पे कूपन डालना पड़ जाएगा, और यहाँ से जब कूपन डालेंगे तो यहाँ से आगे चल के, मतलब अभी तो कूपन हमारे पास है, हमारे पास होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, 100 रुपये लगेंगे अगर ये खो गया भैया, कितने लगेंगे 100 रुपये अगर ये खो गया। आइए और यहाँ पे टोकन खो जाने पर दिखा दो, ये लिखा हुआ टोकन खो जाने पर 100 रुपये का जुर्माना होगा। आइए अब चलते हैं अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पुराना किला है ये, और ये जो है झील है खाली, जबकि झील एक टाइम में पूरी हुआ करती थी, यहाँ पे किसी टाइम के अंदर पूरी झील रही होगी। चलिए और आगे आते हैं इसके बारे में। किला पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध है, सुनिए गौर से सुनिएगा, सो रहे हो तो बिरयानी खा के सो रहे हो, ध्यान से सुनिए। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहाँ कभी महाभारत के कथानांक से समृद्ध इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था। किले की विद्यमान प्राचीर एवं अन्य इमारतें शेरशाह सूरी, सुनिए ध्यान से सुनिए,
समृद्ध इंद्रप्रस्थ नगर था। किले की विद्यमान प्राचीर एवं अन्य इमारतें शेरशाह सूरी 1538 से 45 ईस्वी ने हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में स्थापित दीनपना नामक शहर को ध्वस्त कर निर्मित की। 1555 ईस्वी में फारस से लौटने के पश्चात 1556 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत हुमायूं यहीं पर रहा करता था। तो इसके बारे में अब आप ये समझिए कि ध्वस्त करके मतलब आगे के लिए भविष्य के लिए बताया जा रहा है कि जो पुराने किले के पहले जो भी यहाँ था उसको ध्वस्त करके पुराना किला यहाँ बनाया गया है। तो आगे के लिए बीज बोए जा रहे हैं, ध्यान रखिए। आइए देखो जी, ये ऊपर का नज़ारा है पुराने किले में एंट्रेंस करते हुए, और यहाँ पे सारी अरबी के अंदर कुछ आयतें लिखी हुई हैं ऊपर, और ये पूरा एंट्रेंस है। और ऐसे ही वहाँ पर एक जगह अल्लाह लिखा हुआ करता था, एक जगह मोहम्मद लिखा होता था। यहाँ पर आप ये देखिए, ये इस वाले के ऊपर यहाँ पे और इस वाली साइड में, और यहाँ से तो पूरी ख़त्म ही हो गई है। ये देखिए पूरा गिर चुका है। हाँ, वहाँ पे एक जगह अल्लाह लिखा हुआ है। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अगर दिख जाए तो। ये देखिए, जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें ऊपर और ऐसी लेफ्ट साइड में था, लेकिन एक जगह से वो पत्थर हटा दिया। नहीं, हम नहीं कह सकते ना भाई, क्यों बोल रहे हो हटा दिया यार, गिर गया होगा। बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इसका ध्यान रखे। और ये है एंट्रेंस, बहुत ज़बरदस्त। और ये इतिहास है, जिन लोगों के लिए तारीख हम बना रहे हैं उनको शायद तारीख से कुछ लेना देना है नहीं। ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन धीरे धीरे ये भी शायद कहीं इसी की तरह ना हो जाए जैसे यहाँ से सब गायब हो गया। कयास है, बाकी देखते हैं और आगे क्या है इसमें। चलिए भाई, पढ़ सकते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो एंट्रेंस गेट है, इस गेट में जब आप घुसेंगे तो ये ऊपर दरवाजे के ऊपर ये आयत लिखी हुई है। इस तरीके से आपको ना किसी ने पुराना किला दिखाया नहीं होगा जितनी बारीकी से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ, सिर्फ इसलिए कि आपकी तारीख कायम रहे। मेन एंट्रेंस गेट ही है, और जब गेट से आप नीचे देखते होगे तो अपने आप को राजा फील करते होगे, ऐसा करके नजर आए गेट के बाहर से। ये सारी प्रजा हमारी ये पुराने टाइम का दरवाजा है, देखिए कैसे कैसे इसमें भारी भरकम चीजें लगी हुई हैं। ये देखो कितना भारी संकल है भाई, बस बस बस। ये तुम्हारे घर के दरवाजे से बड़ा जबरदस्त भारी दरवाजा है भाई साहब। ये मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, रहने दो, ये अंदर से दिखा रहा हूँ, ये आपको शायद किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये दीवारें हैं, दरवाजे और ये कीले हैं। कीले देखिए कितनी मोटी मोटी है, ये भी उसी कितनी ही पुरानी होगी। ये देखिए ये पूरी ना एक शेप से बनाया, वेल्ड नहीं किया हुआ है ऐसा लग रहा है, ये उसी जमाने का शायद। ये तो पिघलाकर पूरा, ये जो गेट है ये अभी लगा दिया गया है लोहे का, हल्का फुल्का सा गेट, उसकी तो संकल ही इतनी मोटी है जितनी मोटी इसमें रॉड है इतनी मोटी तो उसकी संकल है। ये नया गेट है और ये नई एंट्री है यहाँ से। चलिए हम भी अंदर को चलते हैं भाई। हाँ, इसे कहते हैं बड़ा दरवाज़ा, जिस दरवाजे से हम एंट्री हुए, और इसके अलावा और भी दरवाजे हैं पुराने किले के। तो यहाँ से जैसे हम एंट्री करेंगे, ये पूरा रास्ता ऐसे करके यहाँ से बना हुआ, और ये म्यूज़ियम है जैसे बता दिया, कंपलसरी है आपको जाना है म्यूज़ियम में। ये अभी हम आप ही मान के चलिए कि अगर आप पुराने किले आ रहे हैं ना तो कम से कम पूरा दिन होना चाहिए आपके पास घूमने के लिए, पूरा दिन तभी आप घूम पाएंगे। तो चलिए जैसे ही हम दरवाजे से अंदर हमने एंट्री करी है, अब एंट्री करके हम सीधे सीधे आपकी तरफ चलते हैं।
देखते हैं उधर क्या क्या है। फिलहाल तो ये ऐसा दिखता है, ये संग्रहालय आ गया जी यहाँ पे, और इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, बस पूछिए मत। लेकिन हाँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, आप छाया चित्र नहीं ले सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते, अपने देश की किसी चीज़ का फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पर बताया गया है खुदाई में क्या क्या मिला है, वो सारी चीज़ें ये बताई गई हैं कि इससे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अंदर रखी हैं उससे ज़्यादातर ये साबित होता है कि यहाँ किसी टाइम के अंदर, मतलब जो युद्ध हुआ था उस टाइम की बताई गई कि चीज़ें मिली हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से जितनी भी खुदाई में मिली वो ये साबित करते हैं कि वो मंदिर के अवशेष हैं। सिंपल, जैसे बौद्ध की मूर्ति और बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, और कुछ शिलालेख हैं, और कुछ बर्तन हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो जो खुदाई हुई उसमें, उससे शायद फ्यूचर में या भविष्य में साबित होगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर रहा हो। भव्य, आप आए तो ज़रूर देखिएगा, दिमाग की बत्ती जलेगी आप लोगों की। आइए और आगे चलते हैं। लेकिन एक हैरानी वाली बात है, इस पुराने किले के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है। बड़े हैरानी की बात है, कंट्राडिक्शन हो सकता है यहाँ पे कि पहले इतने प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे, प्रेम भाव था, लेकिन यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग ने, जो पुरातत्व इसके अंदर संग्रहालय में, म्यूजियम में जो चीज़ें रखी हैं, वो सारी ये साबित करती हैं कि यहाँ पर कोई पुरानी ऐसी चीज़ थी। मैं ये दावा नहीं कर रहा, आप लोग कयास लगा सकते हैं कि क्या था, क्या हो सकता है या क्या बनाया गया। लेकिन पुरातत्व विभाग के ऊपर आखिर कौन दावा करेगा कि ये सच है या झूठ है, ये सवाल आपके लिए। आइए, ये सारे ऑफिस बन गए, और ये जो ऊपर जाने के रास्ते थे उनमें ताला ठोक दिया है। ज़्यादातर जगहों पे आपको ताला ठुका हुआ मिलेगा। आइए, भाई साहब दीवार ठीक कर रहे हो? ये देखिए, ये भी संग्रहालय, वो दिखाइए, ये देखिए बढ़िया आप क्या लिखा है यहाँ पे, ये पुराने किले की दीवारें, दरो दीवारें, ऐसी और भी जगह लिखा है। ये देखिए, आप लोग तो बिरयानी खाओ, सो आराम से, और ये दिखाओ। एंट्री कहाँ से भाई साहब? इसकी म्यूजियम से एंट्री है। ये जो म्यूजियम है, ये जो म्यूजियम है ना, म्यूजियम ये वहाँ से लेके जो आप देख रहे हो पूरा यहाँ तक म्यूजियम है। तो भाई साहब यहाँ तक म्यूजियम है, और यहाँ पे आगे एग्जिट होता है, और इसमें पुराने पुराने जो शिला लेख मिले हैं ना, पुराने पुराने पत्थरों पे, वो सारे इसी में लगे हुए हैं, सारे ये जो बनाया गया है अंदर, इसके अंदर सारे लगे हैं। लेकिन क्या, एक मिनट में हमसे पूछ लें, तो अंदर जो है मोबाइल नहीं चला सकते आप, फोन सुन लीजिए, फोटो लेना मतलब अलाउड नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। ये ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने भी नहीं देखा था पुराने किले में, ये आज पहली बार आया हूँ। ये जो संग्रहालय है ना, संग्रहालय से लेकर ये रास्ता आता है, और ये नीचे एक सुरंग है, पता नहीं कहाँ को जा रही है, कुछ नहीं पता, लेकिन इसकी एंट्री बंद है, इसमें जा नहीं सकते, रास्ता बंद है। आइए आइए और आगे देखते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये सारा कुछ पड़े,
ये देखिए, ये यहाँ से बिल्कुल एक एक गेट का एंड हो गया जो राइट साइड में आते थे। ये सारे इनके पिलर विलर हैं जो टूटे पड़े हैं कूड़े में, पुराने किले के अंदर राइट साइड से जो जाते हैं। आइए, चार बजे ऊपर जाने का रास्ता। काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको कुछ बढ़िया से बनाया जा रहा है। एक जगह से यहाँ के बाहर का झरोका देखते हैं। आइए,